दोस्तों बिहार में भी डीजल का रेट यही है 92 रुपये 44 पैसा। लोडिंग हमारा फतुहा से पटना वगैरह सब पार करके फतुहा बोल के जगह है वहाँ पर क्या है। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रुके खाना खाने के लिए, तो यहाँ से क्या है आगे खाना खा के जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे फिर होटल होगा कि नहीं, तो फंस जाने से अच्छा है कि खाना खा के ही चलते हैं। कुछ खाना खा रहे निकलेंगे यहाँ खाना खा के, नहीं पार करके पटना पार करके। हेलो दोस्तों, हमारे आप लोग आपसे एक फिर स्वागत है। दोस्तों अभी हम तो पंप पे ही खड़ा देख सकते हैं, मेरा गाड़ी पंप पे ही खड़ा है और सुबह से हम अभी फ़ोन पे लगे हुए थे, अभी दोपहर के 12 बज चुका है और हम मतलब कॉल करते करते माल का लेकर कई जगह ट्राई किए, बहुत जगह पर फ़ोन किए तो माल की स्थिति तो ठीक नहीं बता रहा था, कहीं बता रहा था ज़्यादा बता रहा था, तो इसके लेकर के तो एक जगह का माल अभी हमको मिला है बंगाल का है, तो बंगाल का अभी हम बात किए हैं तो अभी तैयारी में है बंगाल का ही, तो वो बोला कि हम पूरा क्लियर कर देते हैं आपको, तो हम जाएंगे बंगाल ही, तो देखते हैं अभी कॉल आने वाला है मेरे पास तो क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कल हम लोग नहाए थे तो कपड़ा सूखने के लिए रात भर हम लोग छोड़ दिए थे यहीं पंप में, तो अब सारा कपड़ा भी ले लिए हैं, कपड़ा को दोस्तों अंदर रखते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी में अभी क्या है डीजल थोड़ा कम है, तो अभी यही पंप से सोच रहे हैं 5,000 का डीजल ले लेने के लिए, तो गाड़ी को घुमाते हैं और लगाते हैं यहाँ नोजल में। दोस्तों बिहार में भी डीजल का रेट यही है 92 रुपये 44 पैसा और अभी हम ले रहे हैं 5,000 का, क्योंकि तब तक लोडिंग वगैरह हो जाएगा, मतलब जहाँ लोडिंग में जाना है कम से कम 50-60 किलोमीटर है यहाँ से पटना पार करके, तो देख लेते हैं वहाँ, उसके बाद फिर लेना पड़ेगा तो वहाँ ले लेंगे आगे फिर। दोस्तों अभी लोडिंग निकल गए हम लोग, क्लियर हो गया हमारा, जो लोडिंग कराता है उसका भी फोन आ गया, तो वो सबसे फोन आया था तो क्लियर हो जाते हैं हम लोग यहाँ जाना हम लोग लोडिंग। लोडिंग हमारा फतुहा से पटना वगैरह सब पार करके फतुहा बोल के जगह है वहाँ पर क्या है। दोस्तों क्या है ना कि थोड़ा त्यौहार को लेकर थोड़ा सा माल का दिक्कत था, क्योंकि बहुत सब बाबू लोग नहीं है लोडिंग कराने वाले, जो लोडिंग करते हैं वो लोग भी नहीं है, उसके बाद दिक्कत हो रहा था माल का। चलिए माल जो मिला ये भी बहुत ही अच्छा माल मिला है और उस एरिया में बहुत दिन हो गया किया हुआ हमको। ठीक दोस्तों निकल तो गए हैं, थोड़ा सा समस्या लग रहा है कि जाम का, जो गंगा नदी में जाम मिलता है, देखते हैं ऐसे दोपहर का टाइम है जाम तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग गंगा ब्रिज पे आ गए हैं और अभी तक तो ठीक है, अभी तक सब ठीक ठाक मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है, कोई जाम जुंगल अफड़ा नहीं मिला अभी तक। अब आगे जब यहाँ खत्म होता है वहाँ पे थोड़ा सा बस वगैरह लेकर रहता है वहाँ पे, और पार्टी का भी बार बार फोन आ रहा है, मतलब उसको भी टेंशन है, वो भी लोकल आदमी जानते हैं ना जाम में फंस जाता है गाड़ी तो लेट हो जाता है, तो भी हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि जाम मिला क्या, जाम निकला क्या, कहाँ तक पहुँचे अभी। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रुके खाना खाने के लिए, तो यहाँ से क्या है आगे खाना खा के जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे फिर होटल होगा कि नहीं, तो फंस जाने से अच्छा है कि खाना खा के ही चलते हैं। हाँ खाना इंडस्ट्री एरिया है, पता नहीं वहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, यही होटल है दोस्तों, उधर तो आ रहे थे तो नहीं मिला एक भी होटल अच्छा, अब यहीं पे खा लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा खाना तो आ चुका है, ये देखिए आलू भुजिया ऑर्डर किए हैं और आलू मटर, तो और साथ में देखिए दही भी यहाँ मिल गया, तो दही बहुत अच्छा ठंडा है, खाने में अच्छा लग रहा है ना दही पूरा। दही अच्छा है, थोड़ा सा हल्का शक्कर डाल दिया, मीठा पहले से है तो गर्मी में दही वगैरह खाना चाहिए, इसे भी खाते हैं अभी। दोस्तों अभी थोड़ा जल्दी ही खाना खा ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फोन आ रहा है उनका, बोल रहे हैं बार बार कि जल्दी आ जाइए, नहीं तो उधर भी कहाँ बोल रहे हैं उधर भी जाम लगता है, वो एक छोटा सा बाजार है पूरे फतुहा में, बाजार में जाम लग जाता है। ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं, कुछ खाना खा रहे निकलेंगे यहाँ खाना खा के, नहीं पार करके पटना पार करके उल्टे से वगैरह सब पार करके हैं। दोस्तों मेरा खाना भी हो गया और खाना खाते खाते 2-3 बार कॉल आ गया, तो जैसे लग रहा है कि मतलब बोल रहा है कि जल्दी आ जाइए लोड हो जाएगा आपका, हम भी चाह रहे हैं कि जो लोड हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों जा रहे निकल रहे हैं अभी हम, अब देखते हैं वहाँ जल्दी से लोड हो जाएगा तो निकल भी जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग इंडस्ट्री एरिया तो आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ से बस 1 किलोमीटर और दिख रहा है राइस मिल है, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग अभी। दोस्तों अभी हम लोग कंपनी में तो आ चुके हैं और गाड़ी भी लगा दी है, ये देखिए हमारा गाड़ी भी पीछे लोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखिए ऐसे करके छोटा छोटा डब्बा है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, अभी 2 छल्ली बस हमारा लोड हुआ, ऐसे करके देखिए इतना छल्ली बनने वाला है, टाइम जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा। ये बर्फ की वजह से कम आया, आधा आदमी आया, बच जाएगा 8-9 बज जाएगा, तो अच्छा हुआ खाना खा के आए थे तो यहाँ खाना मिलने वाला था, आप देखे पकौड़ी से चाय पानी हमको बोलेगा आज यहाँ मिल जाएगा, अच्छा हुआ खा कर खाया, भूखे रह जाता है, खराब हो जाएगा ढंग का खाना नहीं मिलता।
दोस्तों गाड़ी तो मैं लोड हो रहा है लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। बता रहा है कि ये मजदूर भी कम आया हुआ है और तीन है कि शायद चार है और पेटी भी छोटा छोटा, कोई बड़ा बड़ा आइटम रहता तो जल्दी होने का चांस था, लेकिन छोटा छोटा पेटी है तो समय लग रहा है उसमें। दोस्तों आधा गाड़ी तो मेरा हो गया है लेकिन यही है कि लोग ड्यूटी समय का है, अभी लोग छुट्टी हो जाएगा तो नाइट बुलाएगा तो नाइट लॉक करेगा। अभी पूछते हैं कितना बजे तक का ड्यूटी है और नाइट लॉक कब तक आता है। आप लोग कितना बजे ड्यूटी है? सात बजे तक लोग ड्यूटी है, उसका दूसरा गैंग आएगा, दूसरा गैंग करेगा, फिर दूसरा गैंग हो सकता है जल्दी कर दे क्योंकि लोग दिन में थका हुआ रहता है ना, वो लोग आएगा हो सकता है जल्दी कर दे। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और बाद में जो आने वाले थे वर्कर लोग खाली करने के लिए तो वो लोग आ गए हैं और हमारा गाड़ी अभी लोड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इनका आने में, तो चलिए अब धीरे धीरे करके लोग लोड कर देंगे। कोई बात और बोल रहे हैं एक घंटा और लगेगा उसके बाद अपना गाड़ी लोड हो जाएगा। तो पापा भी अंदर गए हुए ऑफिस में बिल्टी लाने के लिए, तो बिल्टी हमारा बन के आ गया है लेकिन बिल्टी में भी अभी एक गलती है कि हमारा जो नंबर है CG04NZ9769 तो एन जेड के जगह सिर्फ जेड लिख दिए, एन लिखे ही नहीं है। उसको ट्रांसपोर्टर ही सुधार सकता है क्योंकि वो मेल करके भेजता है, तो अब ये लोग बोल रहे हैं उसको मेल करने, तो वो बोल रहा है रात हो गया है अभी नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है बात, अभी पापा आएंगे तो वही बताएंगे। दोस्तों गाड़ी में अपना लोड हो गया, कागज वगैरह सब मिलके रेडी है, अब आने वाला गेट खुलेगा मेरा सामने गेट, बस यहाँ से निकल जाना है। और जो गलती हुआ था वो सेट हो गया, वो दोबारा मतलब लीक करके फिर अलग से कागज भेजा वहाँ से, होता है कभी कभी मिस्टेक होता है नंबर। तो दोस्तों अभी जो गलती हुआ था वो वाला कागज वापस मांग रहे हैं। ठीक 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 सब दोस्तों निकलते हैं अभी यहाँ से, अब हम लोग को जाना है यहाँ से कोडरमा हो कहीं जाना है, कोडरमा हो करके देवघर वाला रोड से फिर दुमका निकलेगा, दुमका से अपना उधर निकलेंगे। आइए दोस्तों अब एक छोटा सा तार आ गया है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। निकल गया निकल गया निकल गया, चलिए निकल गया। दोस्तों हम लोग गाड़ी लेके तो निकल चुके हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग गया, करीब अभी रात के 11 बजने वाला है, थोड़ा और जल्दी हो जाता तो हमारा सफर भी ज्यादा कट जाता। तो अभी बिहार शरीफ आने वाला है, तो ये सब क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कोई होटल देखेंगे अच्छा सा, तब जाके वहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज रात में हमारा जितना सफर कट सकता है उतना हम लोग काटने का ट्राई करेंगे। दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और रात में हम लोग चले थे वहाँ से, तो टाइम से अच्छे ही निकल गए थे लेकिन क्या है थोड़ा सा वो जाम भी मिल जाता है, उसके लिए रात करीब 12 बज गया था हमको पम्प में, पम्प तक आने में, पम्प में लगा के सो गए थे, फिर वहाँ से अभी सुबह उठ के चले हम लोग। तो यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा फ्रेश हो लिए और यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर रजौली बॉर्डर बोलते हैं जहाँ से झारखंड और बिहार का जो है होता है, तो वहाँ यहाँ से 30 किलोमीटर और जाना है हमको, 30 किलोमीटर बाद क्या कि झारखंड आ जाते हैं, फिर हम लोग कोडरमा घाट चलेंगे। और इस बार हम लोग रामगढ़ जा नहीं रहे हैं, हम लोग कोडरमा से ही हम लोग को रास्ता कट जाना है, वो देवघर होते हुए दुमका होते हुए निकलेंगे, क्योंकि रामगढ़ से थोड़ा ज़्यादा साइड में लंबा सफ़र पड़ जाता है और अभी रामनवमी का समय है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी खाली करके अपने घर तक पहुँच जाए, तो हो सकता है रामनवमी मेरा घर पर हो जाएगा, क्योंकि रामनवमी में क्या है कि हमारे यहाँ जुलूस निकलता है ना, काफ़ी ज़्यादा जाम वगैरह भी लगने लगता है। और हजारीबाग में हम झारखंड में हजारीबाग बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत नामी दम होता है, एकदम एक एक हफ्ता चलता है वो जुलूस। तो ठीक है दोस्तों अभी सफर काटते हैं, चलते हैं बॉर्डर में। दोस्तों ये वाला बाल्ज भी जो हमारा लोड हुआ है इसका भी वजन ज्यादा नहीं है, करीब 3 टन 3.5 टन के आसपास है, तो 1400 कार्टून लोड हुआ है टोटल। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, वजन थोड़ा कम ही मिला है और हम लोग कल तक खाली कर देंगे गाड़ी, कल के आसपास हमारा गाड़ी भी खाली हो जाएगा, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। और इस बार देखेंगे थोड़ा लंबा ट्रिप का ही ट्राई करेंगे, इस बार तो बहुत ट्राई किए थे, पटना से माल मिल जाएगा शायद कहीं बाहर का, लेकिन नहीं हो पाया था। और कल रात में हम लोग खाना भी नहीं खाए थे तो अभी थोड़ा भूख लगने लगा है, तो पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग बिहार बॉर्डर पे आ चुके हैं, इसके बाद फिर झारखंड इन कर जाएंगे। तो बिहार बॉर्डर में क्या रूल है कि आने टाइम आपका थोड़ा बहुत चेकिंग वगैरह होता है, जो चार्ज लगता है वो लगेगा, लेकिन निकलने टाइम कुछ भी नहीं, बस यहीं पे, इसके अलावा और कहीं पर भी जाइएगा तो दोनों तरफ लगता है, आने का भी और जाने का भी। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छा है, अब यहाँ से झारखंड में तो बॉर्डर ही नहीं है, झारखंड में तो सीधा हम लोग इन कर जाते हैं। सबसे अच्छा दोस्तों हमारा झारखंड ही है, कोई बॉर्डर उर्डर नहीं, आराम से आइए आराम से जाइए, और भी है और भी स्टेट में ऐसा होगा लेकिन ज्यादातर तो हम लोग झारखंड ही आते हैं, तो यहाँ का हम लोग को मालूम है, आइडिया है।
चलिए अब से हमारा झारखंड का सफर यहाँ से स्टार्ट हो गया। दोस्तों झारखंड तो इन कर चुके हैं, देख सकते हैं पहाड़ वगैरह जंगल वगैरह सब चालू हो गया झारखंड में। और एक चीज बता दे रहे हैं, अभी जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो पहले हम लोग बड़ा गाड़ी वाले इलेक्शन टाइम में गाड़ी नहीं चला नहीं पाते थे, सिर्फ इसी स्टेट में हम ज्यादातर देखे हैं कि उस समय ज्यादा दूर दूर जाते नहीं थे, डाला गाड़ी लेकर के झारखंड बिहार यही सब चलते थे। तो इस समय गाड़ी हम लोग को पकड़ता था, पहले छः चक्का गाड़ी था तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए गाड़ी पकड़ता था, लेकिन जब से उस समय डब्बा वाला था जो हाथ से वोट डालते थे वो वाला था, तो उसको लेकर के हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करना पड़ता था, तो खर्चा भी मिलता था, ड्यूटी करने का पैसा मिलता था हम लोग को। तो अभी क्या है कि जब से वो चला बटन वाला तब से हम लोग बड़ा गाड़ी जो है नहीं पकड़ता, अब छोटा गाड़ी जिसका भी है कार मारुति 407 907। अभी हर जगह हम बिहार में भी सफ़र किए, हर जगह चेकिन लगा हुआ है, बहुत सी जगह देखिए गाड़ी पकड़ रहा है। तो हम लोग पहले जब चलते थे ना इलेक्शन के टाइम में चाहते थे कि चलो भाई दूर में ही रहे, लेकिन अभी चले हम लोग के लिए बहुत राहत मिला है कि बड़ा गाड़ी के लिए अब कोई लेना देना नहीं है, अपना छोटा गाड़ी को ही पकड़ रहा है अभी। चलिए अब आने वाले हम लोग अभी घाट कोडरमा घाट जो बोल रहे थे, कोडरमा घाट भी आने वाला है अब। दोस्तों अभी हम लोग घाटी तो उतर गए हैं, अब जा रहे नाश्ता करने के लिए। ये देखिए बहुत सारा ट्रक यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पे क्या कि नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। तो आज तो हम लोग दोस्तों ऑर्डर किया आलू पराठा, तो यही अभी नाश्ते में हम लोग क्या कि ये बहुत अच्छा लगता है, इसको खा लेने के बाद फिर दोपहर में भूख भी नहीं लगता है, दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा हमारा। तो चलिए अभी आज का नाश्ता हमारा यही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नाश्ता तो हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, अब हमारा झारखंड का ही सफर रहेगा, उसके तो लास्ट में बंगाल का माल है, बंगाल जैसे घुसेंगे वैसे ही हमारा माल वहाँ की, ज्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बंगाल में छोटा ही सा ही मतलब शहर है वो, तो वहीं पर जाकर अपना माल खाली होगा। तो आज तो मेरा कोशिश रहेगा कि आज शाम तक पहुंच जाए और अपना माल जो है खाली कर दे। दोस्तों कल रामनवमी है, तो सबसे पहले तो रामनवमी का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे झारखंड में और भी स्टेट में बहुत सी जगह पे होता है, लेकिन हमारे ये जो बताया था हजारीबाग में बहुत ही जबरदस्त होता है। तो हम लोग ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा गाड़ी वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा जाम वूम से डरते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं पहले ही गाड़ी खड़ा कर देते हैं कि भाई वहाँ पर जाम में क्या लगना है, पहले हम लोग खड़ा कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारा गाड़ी खाली करने का, उसको आगे के सफर कहाँ का रहेगा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।